प्रश्न को देखो आप, राष्ट्र की एकता अखंडता पर बल दिया गया है, इस कथन के आलोक में निजता के अधिकार एवं समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन पक्ष की समीक्षा करें। निजता का अधिकार तो समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन पक्ष की समीक्षा करनी है। अच्छा, एक और चीज, समान नागरिक संहिता की बात करूं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वो डिस्कस कर चुके हैं, यूट्यूब बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बना के डिस्कस किया, कल तीन चार तरह के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करें, अब एक बात ध्यान, प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्रियान्वयन पक्ष की समीक्षा, इसका मतलब क्या चीज है, इस पर बल दिया गया है, क्या राइट टू प्राइवेसी का क्रियान्वयन करोगे तो राष्ट्र की एकता अखंडता खंडित होगी, पहली बात। दूसरी तरफ यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की जाए, यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की जाए, क्या राष्ट्र की एकता अखंडता खंडित होगी, यही प्रश्न है। प्रकाश उसकी देख रेख, बातें समझ में आ गई, प्रश्न यही पूछ। अब एक बात ध्यान दीजिए, आलोक में या संदर्भ में, अब हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा इस पर हो जाए। इंट्रोडक्शन में क्या कहें, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता शब्द जोड़ा गया, ये तो सबको पता है। अनुच्छेद एक क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, वो समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। और एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग, ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में। फिर हम ये बताएंगे कि प्रश्न उठ क्यों रहा है, ये कि राइट टू प्राइवेसी अखंडता पर चोट करेगा ये क्यों कहा जा रहा है, और यूनिवर्सल सिविल कोड भी अखंडता पर चोट करेगा ये क्यों कहा जा रहा है। अगले पहरे में आएंगे और बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब राइट टू प्राइवेसी के क्रियान्वयन से अखंडता कमजोर नहीं होगी बल्कि एकता अखंडता मजबूत होगी, कैसे, किस आधार पर। आप एक बात ध्यान दो, यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ चुका है राइट टू प्राइवेसी पर और आपने लिख दिया कि राइट टू प्राइवेसी से अखंडता कमजोर होगी, इसका मतलब एक न्यायिक अवमानना का प्रश्न उठा। अरे बात, इन्फॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में कोर्ट का लगातार निर्देश आ चुका है, सरकार राज्य को इन्फॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए, यदि यह राष्ट्र की एकता अखंडता पर चोट करता क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई डिसीजन देता, नहीं देता। पर हम बात करेंगे दोनों पक्ष की, बात करेंगे सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन की, फर्स्ट 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया, तथा अनुच्छेद एक में ये भारत राज्यों का संघ है, जो समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यह बात हमारे इंट्रोडक्शन में आ जाएगी।
अच्छा मान लिया जाए हमेशा, ये इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, यहां तक तो लिखो आप और फिर सीधी आ जाओ। इसे फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, साथ ही तब सेंटेंस चेंज हो जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, छोटा करना तो इतनी बात लिखो। बैलिसे संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया, ये भी नहीं लिखना है, आप चाहो तो यहां से शुरुआत कर दो। अनुच्छेद 21 में यह कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है जो समझौते का परिणाम नहीं है, इसे फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द अनुच्छेद 21 हाँ लिखा है मैंने, अच्छा ना 21 बोला मैंने, अच्छा अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है जो समझौते का परिणाम नहीं है, इसे फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। आप ये हटा दो, यहां से लेकर के इतनी बात लिख सकते फाइल इंट्रोडक्शन में, हो जाएगी बात है। अब हम अगले पैरे में आएंगे कि प्रश्न ये उठता है कि अब देखो आप इस कथन के आलोक में निजता का अधिकार, अब सेकेंड पैरे की बात करें हम, कुट्टू स्वामीवाद में निजता के अधिकार पर बल दिया गया। किंतु सरकार द्वारा इसे राज्य की सुरक्षा के समक्ष चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया गया, के समक्ष क्योंकि पहली चीज हम बात करें नंबर वन, सुरक्षा के लिए कभी कभी निजता के अधिकार का उल्लंघन आवश्यक है। जैसे आधार कार्ड सरकारी योजना से लिंक, हम दूसरी चीज बात करें जांच एजेंसियों पर क्योंकि जांच एजेंसियां कभी कभी निजता का उल्लंघन करती हैं। जैसे फोन टेप ये बातें चल रही हैं,
प्रेम जब आएंगे, अब थर्ड पैरे के बाद देखो, समान नागरिक संहिता क्योंकि इससे एसटी की संस्कृति प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से व्यवस्था के प्रति आक्रोश परिणामता राष्ट्र की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव, जैसे नॉर्थ ईस्ट, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जनजाति समाज, हम फोर्थ पैरे में आएंगे। फोर्थ पैरे परंतु व्यवहारिक एवं संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उपरोक्त मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। क्योंकि फर्स्ट अखंडता के लिए गरिमा में जीवन प्राथमिक, और निजता का अधिकार पूर्ववर्ती शर्त, पहला पॉइंट। हम दूसरी चीज बात करें, राष्ट्र की एकता के लिए मानवाधिकार का संरक्षण आवश्यक, यह तभी संभव जब निजता के अधिकार के साथ
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार हो। तीसरी चीज बात करेंगे डिजिटल युग में सुरक्षा के भाव तथा वैचारिक स्वतंत्रता के लिए निजता के अधिकार को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। ये तो हमारा ये राइट टू प्राइवेसी की बात करें हम लोग। चले हम जब आएंगे सीधे पांचवें पैरे में जब आएंगे हम वस्तुतः यूसीसी यूनिवर्सल सिविल को के क्रियान्वयन से एकता एवं अखंडता मजबूत क्योंकि हम फर्स्ट की बात करें विवाह उत्तराधिकार भूमि से संबंधित कानून की समानता से सामाजिक समानता को प्रोत्साहन यूसीसी में नहीं की बात है अब दूसरी चीज इससे विधि के शासन को महत्व जो लोकतंत्र की पूर्ववर्ती शर्त अंत में निष्कर्ष की जब बात करेंगे हम लोग नोट कर लिया जब निष्कर्ष की बात करेंगे इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल युग में निजता के अधिकार पर बल देने के साथ समान नागरिक संहिता को
लागू करने के लिए राज्य को अनेकों बार निर्देश दे चुकी है। ये हमारा निष्कर्ष चलाएगा। इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, देखो आप, ठीक है, पूरे सब प्रश्न को क्या करेगा, तो डिजिटल युग सब है, डिजिटल युग में निजता के अधिकार पर बल देने के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सरकार या राज्य को अनेक बार निर्देश, ठीक है। अब देखो प्रश्न दोबारा इसी को कैसे यूपीएससी घुमाएगा, चले नोट कर लिया आपने, सुप्रीम कोर्ट को कैसे प्रश्न आप किस आधार पर कह सकते हैं, इस आधार पर कह सकते हैं कि प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकारों में विरोध है, उदाहरण के साथ स्पष्ट, अभी तक हम यह पढ़ रहे हैं कि नहीं प्रेम्बल और मौलिक अधिकारों में कोई विरोध नहीं है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस आधार पर कह सकते हैं कि प्रस्तावना मौलिक अधिकारों में विरोध है, उदाहरण के साथ आपको प्रूफ करना है कि दोनों में विरोध है, फॉर एग्जाम्पल की बात, ठीक है। अच्छा प्रश्न पूछ रहा है कि विरोध है, आपको विरोध ही दिखाना है, ठीक है, पूरकता की बात तो करनी ही नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि एक चीज ध्यान देने इस बात, हमारे प्रेम्बल में राष्ट्र की एकता और अखंडता पर बल दिया गया, एकता और अखंडता की बात, लेकिन राइट टू प्राइवेसी कैसे एकता अखंडता पर चोट पहुंचा, आप किस आधार पर कह सकते हैं, हम बताएंगे विरोध दिखता है पर वास्तव में विरोध, कि जब पुट्टू साम्यवाद में जब नेड़े आया तो अनेक संविधानविदों ने यही कहा कि विरोध दिखने लगा कि प्रियम्बल जिस एकता अखंडता की बात कर रहा है ना, एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान है, अनुच्छेद एक, नंबर दो फेडरेशन की जगह किस शब्द का उपयोग किया गया, यूनियन शब्द की बात, ये दोनों चीज एकता अखंडता को मजबूत, ठीक है। अब लेकिन संविधानविदों ने यह कहा कि राइट टू प्राइवेसी हमारे एकता अखंडता पर चोट पहुंचाए, क्योंकि एकता अखंडता के लिए यह चीज करनी होगी, पर राइट टू प्राइवेसी को महत्व दोगे तो एकता अखंडता पर चोट पहुंचेगी। एग्जांपल की बात करें अनुच्छेद 21 में कैसे, और इसमें देखा होगा लगातार इशू चल रहा है, सरकार कह रही है आधार कार्ड को लिंक करो, पर लोग कह रहे नहीं हमारे राइट टू प्राइवेसी का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, सरकार कह रही है इस ऐप को डाउनलोड करो, कोरोना काल में सरकार अनेक ऐप को लॉन्च किया,
जब ऐप को लॉन्च डाउनलोड करते हो ना, तो आपके डेटा को देना पड़ेगा, और वो डेटा किसके पास चला जाएगा? सरकार के पास। आपकी प्राइवेसी खंडित। एक बात ध्यान दो इस बात को, एक तो खंडता के लिए कई बार क्या होता है, सरकार को क्या करना, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करना पड़ता है कई बार फोन टैपिंग का। एकता अखंडता के लिए क्या चाहिए, जैसे छोटे से एग्जांपल लेता हूं, जब इसका आंसर चलेगा ना तो दो बातें करनी होगी। पहली चीज देखा जाए एक तरह से, यदि हम निजता के अधिकार की बात करते हो, विरोध कैसे दिख रहा है, तो स्वाभाविक है जांच एजेंसियों के लिए जब कठिन हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी कठिन, अब कठिन हो जाएगी आतंकियों की पहचान कठिन, ये पहचान कठिन हो गई, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना कठिन, आज आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना कठिन हो गया, एकता पर प्रतिकूल प्रभाव। कई बार क्या होता है, राइट टू प्राइवेसी की बात करोगे, फोन टेपिंग तो राष्ट्र विरोधी गतिविधि को रोकना कठिन, रोकना कठिन हो गया, हम राइट टू प्राइवेसी की बात करें। क्लियर? तीसरी चीज बात करें हम लोग, और राइट टू प्राइवेसी की बात करोगे ना तो कल्याणकारी योजना का सही क्रियान्वयन कठिन हो जाएगा, और सही क्रियान्वयन कठिन हो गया गरीबी उन्मूलन कठिन, और जब यह कठिन हो गया आर्थिक एवं सामाजिक न्याय कठिन हो गया। ये कहना है, ये कैसे, ये बातें सबको समझ में आ रही है? अब देखो पहला पॉइंट, देखो कैसे विरोधी है। दूसरा पॉइंट, पॉइंट क्लियर? कई बार क्या होता, आपने कभी गौर किया होगा कि सरकार क्या करती है, इंटरनेट शटडाउन का लागू करती है। इंटरनेट जब शटडाउन हो जाता है ना, तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, खंडित। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खंडित, तो ध्यान दो मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, हमेशा ध्यान दो। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सोशल मीडिया का खुलकर उपयोग करने की अनुमति है, पर जब सोशल मीडिया का खुलकर उपयोग होता है तो समाज में सोशल मीडिया का दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है, और जब दुरुपयोग होता है ना तो सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ जाता है, राष्ट्र की एकता क्या हो जाती है, पर प्रतिकूल प्रभाव। अब देखो एक बार बहुत अच्छी बात, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को महत्व दे रहा है, हमारी सरकार राज्य की एकता को बल दे,
तो कई बार कोर्ट और राज दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े, सरकार राज्य कहते हैं राज्य की सुरक्षा प्राइमरी है और कोर्ट क्या कहता है मौलिक अधिकार प्राइमरी, इसी को लेकर कई बार क्या होता है डिबेट, अरे बात है, और सरकार चिंतित हो जाती है। देखो तीसरी चीज, चलिए दूसरी चीज देखा जाए, फंडामेंटल राइट्स में क्या चीज चल रहा बताओ, फंडामेंटल राइट्स में एक चीज है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही तो है, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है सोशल मीडिया का दुरुपयोग, अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है ना तो सांप्रदायिक सद्भाव पर चोट, चोट पहुंचती है तो फिर दंगा, अगर दंगा होगा तो सुरक्षा, सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाए, और जब आप एकता अखंडता पर बल देते हो उन्हें दंगे को रोकना होगा, इंटरनेट शटडाउन सरकार लगातार करती है कि नहीं करती है देखा होगा, सरकार इंटरनेट को शटडाउन कर देती है तो कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकारों को छीन रहे हो, सरकार कहती है क्या तो मौलिक अधिकार बचा लो, फिर आपको सुरक्षा बचा लो, अक्सर जहां मणिपुर में देखा होगा इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया, मौलिक अधिकार क्या हो गए सीमित हो गए, तो सरकार ने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंटरनेट शटडाउन को महत्व दिया। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है कि प्रस्तावना मौलिक अधिकार में विरोध दिखता किस आधार पर कह सकते, यदि प्रश्न ये पूछा जाए, यदि प्रश्न ये पूछा जाए आपसे क्या प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकारों में विरोध है, तर्क प्रस्तुत करें, यदि प्रश्न ये पूछा जाता है तो आपका आंसर कैसे चेंज हो जाए, ध्यान दो इस बात, प्रश्न की शुरुआत क्या से होना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श क्या इसकी बात करोगे, आप आदर्श क्या आप इसकी बात कर दो, सेकेंड प्रेम जब आओगे आप किस आधार पर है कि विरोध है, आप एग्जाम्पल के साथ बात कर दो, थर्ड प्रेम जब आओगे किंतु विरोध नहीं है क्यों, फोर्थ पैरे के जब बात करोगे आप तो निष्कर्ष की बात कर दो, अब ये प्रश्न चार भागों में टूट जाएगा, समझ वाली बात है, जब आंसर चलेगा मान लिया जाए ये आंसर 200 शब्दों में है तो दोनों पैरों को कोशिश करना कि 50 से लेकर 60 शब्दों में खत्म, हमारा पूरा फोकस इस पर, और दिखाना विरोध नहीं है तो शुरू करेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर चले जाएंगे कहां, सारी बातें अनुच्छेद 32 तक चले जाएंगे, तो ध्यान दो इस बात, हमारे प्रस्तावना में समानता की बात की गई, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 में भेदभाव का निषेध, अरे बात है, तथा 14, 20 मिलकर विधि के शासन को मजबूत, जो प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श को मजबूत कर, पॉइंट है,
नंबर दो, हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम जब प्रस्तावना की बात, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की, अरे बातें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विस्तार के साथ अनुच्छेद 21 का मजबूत होना, दूसरी तरफ क्या होगा, भेदभाव के निषेध के साथ शोषण का निषेध, जैसा अनुच्छेद 23 से 24 में कहा। अरे बात, तीसरी चीज आपने देखा होगा, स्वतंत्रता की बात की, धर्म उपासना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तावना में अनुच्छेद 19 किसकी बात करते, बातें समझ में आ गई। फिर देखो प्रस्तावना समानता की बात करता है और समानता के बाद मौलिक अधिकारों में कहा, पर जहां यूपीएससी में एकदम देखिएगा क्लियर है ना, वो यूपीएससी पूछेगा नहीं, समानता क्वेश्चन क्या पूछेगा, विरोध, आप किस आधार पर कह सकते हो कि विरोध है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो पूछ चुका है यूपीएससी। अब एक चीज मेरी बात, फिर गरिमा में जीवन की बात की गई है, अनुच्छेद 21 किसकी बात करता है, इन सभी के साथ अनुच्छेद 32 आता संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है, यही तो करता है, वो भी मौलिक अधिकार का पार्ट ही तो है, हो जाएगा ये प्रश्न है। चले इसी प्रश्न को क्या करेगा यूपीएससी, अच्छा ये सब कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको लिखोगे आप नहीं, उम्मीद है कि सेटअप हमारा लग जाए दो चार दिन में, वहां लिखवाना है और सुबह से बैठे भी हो आप, चलो आदत डाले, इसी प्रश्न को कैसे यूपीएससी घुमा सकता है ये, अब इसे देखो कि भारत में जहां न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के विस्तार पर वही सरकार व्यवस्था एवं सुरक्षा पर बल देती है, जिससे दोनों के बीच टकराव होते रहते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें, आप देखो जानते हैं प्रश्न क्यों पूछा जाएगा, अभी तक कोर्ट और न्याय सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद ही चल रहा, पहली बार पिछले कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह के संबंध में कानून बनाने का अधिकार विधायक, इसके पहले 2000 के आसपास सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ चुका था कि सदन में सदस्यों की खरीद और फरोख्त के संबंध में सारी बातें दंड देने का अधिकार सदन के पास न कि न्यायपालिका के पास, कितने सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार विधायिका को किया कि राइट्स विधायिका के पास, अच्छा ये हम लोग के बड़े कॉमन लाइन लग रहा हो पर यूपीएससी के लिए ये वर्ड्स कितना महत्वपूर्ण है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन क्या इंगित करता है, कहीं ना कहीं विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों के क्षेत्र को परिभाषित करता है,
अगला क्वेश्चन ये पूछेगा यूपीएससी, अगला क्वेश्चन सीधे ये पूछेगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में क्या आप क्या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं न्यायिक सक्रियता से पीछे हट रही है। एग्जाम्पल के साथ, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधायिका का अधिकार, इसका मतलब ये कि अब सुप्रीम कोर्ट विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश करना नहीं चाहती, तो न्यायिक सक्रियता से पीछे हट। प्रश्न कैसे बनाएगा यूपीएससी, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब एक चीज ध्यान दो, यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो कई बार जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उदाहरण पूछेगा आपसे, और जब उदाहरण की बात करेगा ना, कोशिश करना कि कोर्ट का कोई डिसीजन हो। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं इस प्रश्न में, हमेशा ध्यान दो, जहां न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का विस्तार पर बल दे रही है, अरे बात है, एक जहां टकराव होते रहते। एग्जाम्पल के साथ, जैसे पहली चीज हम देखें, कुट्टू स्वामीवाद राइट टू प्राइवेसी, कोर्ट ने किसकी बात की, राइट टू प्राइवेसी की बात की, ये तो कहा उसने राइट टू प्राइवेसी। परिणाम क्या हुआ, राष्ट्र के सामने सुरक्षा का प्रश्न। क्यों सुरक्षा का प्रश्न, क्योंकि सुरक्षा के लिए राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कभी कभी क्या होता है, जरूरी हो जाता है। पॉइंट क्लियर, दोनों आमने सामने आ गए, ये एग्जाम्पल है, बातें समझ में आ गई। एग्जाम्पल नंबर दो की बात करें, सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूअस निरंतर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विस्तार पर बल, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आरटीआई के कांसेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने ही तो किया, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के एक एक में ऐसा, बातें समझ में आ गई। परंतु सरकार क्या करती है, सुरक्षा के लिए इंटरनेट शटडाउन का सहारा लेती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित, जिससे दोनों आमने सामने, जैसे मणिपुर का एग्जाम्पल, कश्मीर का एग्जाम्पल। पढ़ने के लिए तीसरी चीज हम बात करें, दिल्ली हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 को अवैध घोषित कर दिया, जिसके तहत समलैंगिक विवाह अपराध की श्रेणी में शामिल, और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, उसे अवैध घोषित कर दिया। अरे बात, परंतु सरकार याद रखना, परंतु सरकार क्या कर रही है, व्यवस्था को बनाए रखने के, विवाह की परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखने पर बल दे रही है, लगातार डिबेट, क्योंकि विवाह का मतलब अपोजिट सेक्स के लोग आपस में बध जाए, जो नई संतत को जन्म देने में सक्षम, विवाह की यह परिभाषा दी जाती है। तो सरकार विवाह की परंपरागत परिभाषा को बनाए रखने पर बल, ताकि व्यवस्था बनी रहे और दोनों आमने सामने, बातें समझ में आ गई, तो दिक्कत। हम चौथी चीज हम बात करें, अभी देखा होगा अगला इशू उठेगा, इशू क्या उठेगा, जातिवार गणना की बातें चल रही है, आरक्षण की सीमा बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 50% की सीमा क्रॉस। अब सोचो, सोशल जस्टिस को मजबूत करने के लिए सरकार क्या करेगी, आरक्षण की सीमा का विस्तार, लेकिन कोर्ट क्या कहेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, आपने सामने आ, ये एग्जाम्पल चल रहा है। तब मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में लिख ले जाओगे,